देवघर और बासुकीनाथ के बीच में है एक पेड़ा नगरी और ये जगह का नाम है घोरमारा। और आपको बता दें कि यहाँ पर आप जाइएगा तो हर तरफ पेड़े की ही खुशबू आएगी। हम अभी हैं घोरमारा में जहाँ पे पेड़े की खुशबू, हर तरफ पेड़े की ही खुशबू आती है और इन लोगों से बात करेंगे, खरीदने वालों से भी और बेचने वालों से भी, कि आप देवघर में जलाभिषेक करते हैं पर घोरमारा है वहाँ से ही पेड़े क्यों खरीदते हैं। अब दुकानदार से हम बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे कुछ दुकानदार हैं। क्या नाम हुआ अभी आपका? मेरा विकास कुमार नाम हुआ। अच्छा, ये बताइए ये बीच के जो देवघर और बासुकीनाथ के बीच के जो घोरमारा जगह है, लोग यहाँ से ही पेड़ा क्यों खरीदना पसंद करते हैं? क्योंकि पेड़ा यहाँ काफ़ी फेमस है और काफ़ी पुराने दिनों से, मतलब 100 साल से ही यहाँ पेड़ा का कारोबार चल रहा है और ओरिजिनल जो खोवा और मावा होता है उसी का पेड़ा यहाँ तैयार किया जाता है और उसी को बनाया जाता है और प्रसाद के रूप में बम सब यहाँ से लेकर के जाते हैं देवघर बासुकीनाथ पूजा करने के बाद घोरमारा से। पेड़ा कैसे तैयार करते हैं, कौन कौन सा? पहले खोवा लेते हैं, खोवा में चीनी डालते हैं, उसके बाद फिर मशीन से या फिर लोहिया से जिसकी जैसी सुविधा है भूंजने के बाद, उसके बाद उसकी एक लिट्टी तैयार की जाती है, उसके बाद फिर उसको 2-4 दिन रखने के बाद फिर उसमें उसको चूरते हैं लकड़ी से, एक बैट होता है उसे चूरते हैं, उसके बाद फिर उसमें लोहिए में खोवा डाल करके, चीनी डाल करके, उसके बाद फिर पेड़ा तैयार किया जाता है, तब पेड़ा की टेस्टिंग आती है। कैसे केजी देते हैं पेड़ा? अभी तो सरकार के द्वारा दिया गया रेट है 400 रुपया केजी, जो कि 800 ग्राम खोवा है और 200 ग्राम चीनी, उसकी मूल्य निर्धारित की गई है 400 रुपया, और दूसरी है 700 ग्राम खोवा 300 ग्राम चीनी और उसकी मूल्य निर्धारित की गई है 370 रुपया केजी। अच्छा, यहाँ पर जो लोग हैं लगभग ज़्यादातर पेड़ा की दुकान है, कितने केजी पेड़ा लगभग रोज खपत होता है? ये अपने अपने हिसाब से, अपने जैसे जिसका सेलिंग है उस हिसाब से एक आंकड़ा अनुमान, जैसे हमारा 4-5 क्विंटल डेली बिक्री है और लोगों का भी बिक्री है, वैसे हिसाब से बाजार काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इसी के ऊपर निर्भर है। कोरोना काल में 2 साल मतलब श्रावणी मेला का आयोजन नहीं किया गया और इस बार आप व्यक्तिगत रूप से आप एक दिन में कितना केजी पेड़ा बेचते हैं? ये कोई क्लियर नहीं हो पाता है। सावन महीने में, एक महीने के लिए स्पेशली हम लोगों का दुकान होता है सावन मेले के लिए, 3 क्विंटल 4 क्विंटल 5 क्विंटल ऐसे ही बिक जाता है जिस दिन, जैसे आज सोमवारी है, आज भीड़ की संख्या ज़्यादा है इसीलिए वजह से। देखिए हर तरफ बम ही बम नज़र आएंगे और आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि बस से, जब जैसे ही बस रुकी तो बस से लोग उतर करके आ रहे हैं और पेड़े के दुकान में घुस रहे हैं। पेड़े के दुकान जो दुकानदार हैं वहाँ के जो स्टाफ है उनको बता रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा अच्छा पेड़ा मिलता है। अब हम जो यहाँ पर बम है उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ बम आपका? सतपाल बम। अच्छा, यहाँ पर से ही पेड़ा क्यों खरीदते हैं बम लोग? सब कहते हैं कि बढ़िया पेड़ा यहाँ रहता है। अच्छा, इसके लिए यहीं विश्वास हो गया था, खरीदते हैं यहीं से, यहाँ पर बढ़िया पेड़ा रहता है। हाँ, कहाँ से हैं आप? हम लोग नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हैं। नालंदा डिस्ट्रिक्ट से? हाँ। और भी बम है, और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे दुकानदार हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बम जी, यहाँ से ही पेड़ा क्यों खरीदते हैं आप? यहाँ का पेड़ा मशहूर है। हाँ, मशहूर है, इसलिए खरीदते हैं भाईनाथ से, वहाँ से आकर के इसलिए खरीदते हैं हम लोग। जलाभिषेक करते हैं देवघर में, पेड़ा खरीदने आते हैं? हाँ, इसलिए कि यहाँ का मशहूर पेड़ा है, स्वाद में बढ़िया है। स्वाद एकदम बढ़िया? हाँ, बढ़िया है। यहाँ का और क्या क्या चीज से, यहाँ से क्या पेड़ा मशहूर है हमें जानते हैं? पेड़ा के साथ कुछ और भी लेते हो? नहीं, पेड़ा के साथ कुछ नहीं, यह मूंगफली वगैरह ले रहे हैं, और क्या लेंगे? पेड़ा। क्या बोले मैम? पेड़ा खाली मशहूर है और कुछ नहीं है। आपका क्या नाम बताए मैम? पेड़ा और मूंगफली वगैरह। आप अपना बताए। रविंदर मौर्य। आप कहाँ से हैं? जनपद चंदौली, ग्राम फेसुणा के वासी हैं। यूपी से पेड़ा खरीदने आए? हाँ, यूपी से पेड़ा खरीदने आए हैं। यूपी से? यूपी में नहीं मिलता बढ़िया? नहीं, यूपी में कहाँ पेड़ा मिलता है? यूपी में पेड़ा नहीं, संकट मोचन काशी विश्वनाथ में मिलता है। हाँ, लेकिन इस कदर का मिलता है, वहाँ पर जो देसी घी का लड्डू मिलता है, देसी घी का लड्डू मिलता है काशी विश्वनाथ संकट मोचन। क्या नाम हुआ बम? तेतर। तेतर, आप कहाँ से हैं? चंदौली, जनपद चंदौली वासी। पेड़ा कहाँ खरीदते हैं? ये स्वादिष्ट देख रहे हैं कि बढ़िया है, खुशबू है, अच्छी है मिठाई, ये प्रसन्नता है सबके लिए कि यहाँ का शुद्ध पेड़ा है देसी घी का, इसलिए हम खरीद रहे हैं। मम्मी के दादा अपने। और भी कुछ लोग हैं, और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ बामा? राजेंद्र राम। कहाँ से हैं आप? लातेहार जिला। यहाँ से ही पेड़ा क्यों आप लोग? यह थोड़ा अच्छा लगता है, घी में मिलता है, ज़्यादा स्वादिष्ट। हाँ, स्वादी लगता है इसी चीज़। कितना खरीद के ले जा रहे हैं? 3 किलो ले रहे हैं। 3 केजी? 3 केजी। तो यहाँ
अगर पेड़ा नगरी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हर तरफ पेड़े की ही खुशबू नजर आती है। और ये जगह है गोरमारा, यूपी से देश के कई राज्य से आते हैं बाबा धाम जलाभिषेक के लिए, पर जलाभिषेक करने के बाद पेड़ा जो है गोरमारा जो एक जगह है जो बासुकीनाथ और देवघर के बीच में है, वहीं से खरीदा जाता है। आप हर तरफ दुकान में देखेंगे कि पेड़ा ही पेड़ा है और यहाँ पर पेड़ा की ही खुशबू आती है और बम यहीं से ही पेड़ा खरीदते हैं। कहते हैं कि यहाँ का पेड़ा खुशबूदार होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत।